हाँ भाई, तो पिछले क्लास में अपन बात कर रहे थे कूलाम के नियम की, है ना। कूलाम का नियम हमने देख लिया था, आवेशों के बीच अगर माध्यम रख दें तो लगने वाला बल घट जाता है, ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, है ना। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अपनी बुक का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1.4, एग्जाम्पल 1.3 तक अपन कर चुके हैं ना, अब ध्यान सुनना। एग्जाम्पल नंबर 1.4, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और समझेंगे आराम से अपन। जिनके पास किताब हो वो बुक निकाल लेना, जिनके पास ना हो भाई PDF डाउनलोड कर लेना बुक की ना। एग्जाम्पल नंबर 1.4 कह रहा है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम नियम, मतलब दो आवेश हैं उनके बीच में तो कौन सा बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल, और दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों या द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए, अगर दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है, ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और दो द्रव्यमान रखे हों, बिंदुवत द्रव्यमान रखे हों, उनके बीच जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर ए, दो क्वेश्चन है ए और बी करके। पहला जो क्वेश्चन है ए, ए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ए क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके, मतलब आवेशों के बीच में तो कौन सा बल ज्ञात करना है, विद्युत बल ज्ञात करना है, और द्रव्यमानों के बीच में कौन सा बल ज्ञात करना है, गुरुत्वाकर्षण बल, 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था, ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। मतलब एक तो आपको विद्युत बल के लिए मैं प्रतीक एफ ही काम में ले लूं, एफ ही ज्ञात करना है, गुरुत्वीय बल के लिए हम प्रतीक एफ जी काम में ले लें गुरुत्वाकर्षण के लिए, ये ज्ञात करना है, और दूसरा हमें इनकी तुलना करनी है एफ ई अपॉन एफ जी भी ज्ञात करके देखना है। अरे सवाल समझ में आया कि नहीं आया? दो आवेश होंगे उनके बीच स्थिर वैद्युत बल निकालना है, दो द्रव्यमान होंगे उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, दोनों बल निकाल लेंगे और फिर इन बलों की हमें तुलना भी करनी है, और इस एक क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन बढ़ा है भाई। फर्स्ट क्या कह रहा है सुनना ध्यान से, फर्स्ट कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो, और दूसरी बार में बच्चों दोनों प्रोटॉन है, ध्यान सुनना, मैं आपको सवाल मेरी भाषा में समझाता हूं। देखो सवाल कह रहा है ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई होता है? हाँ या ना? और इस जगह पर प्रोटॉन है प्लस ई, बीच की डिस्टेंस दी हुई है क्या? डिस्टेंस नहीं दी हुई है भाई, ना दोनों के बीच की दूरी आपको नहीं दे रखी है, तो अपन दूरी को कितना मान लें, आर, कितना मान लें, आर। तो अब मैं बात कर रहा हूं कौन से बल की, पहले एफ ई याद करता हूं, आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल, एफ ई हमने इसका प्रतीक लिया है, तो स्थिर वैद्युत बल निकालने के लिए क्या मैं कूलाम का नियम काम में लूं? और कूलाम का नियम कहता है F बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो बोले कितना आएगा, के कांस्टेंट है, क्या आवेश का चिन्ह काम में लेंगे कि नहीं काम में लेंगे ना? पहले वाले का परिमाण कितना है ई, दूसरे वाले का परिमाण भी कितना है ई, तो ई का ई से गुणा करूंगा तो क्या ई स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कौन सा बल आ गया, स्थिर वैद्युत बल, कौन सा बल आ गया, स्थिर वैद्युत बल। अब आपको अच्छा इनके कोई ना कोई द्रव्यमान भी तो होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, नया चित्र बना लो ये लो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, एम ई आप जानते हो 9.1 × 10⁻³¹, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना आएगा, एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10⁻²⁷, और दूरी वापस से कितनी काम में लेनी है अपने को, आर काम में लेनी है, तो क्या द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, द्रव्यमानों के मध्य
गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सिंबल क्या काम में आता है? एफ जी। क्या सूत्र बन गया बताओ? के सॉरी जी, गुरुत्वाकर्षण जी आता है ना। पहला द्रव्यमान एम ई, दूसरा द्रव्यमान एम पी बटे दूरी का स्क्वायर। अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक क्या रखा हुआ है? प्रोटॉन। तो उनके बीच में एक तो स्थिर विद्युत बल देखना है और एक है गुरुत्वाकर्षण देखना है। तो स्थिर विद्युत बल तो मैंने के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से निकाल लिया, गुरुत्वाकर्षण मैंने जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर से निकाल लिया। अगर बीच की दूरी और दे रखी होती तो मैं एग्जैक्ट मान निकाल देता। अरे हाँ या ना, तुलना करके देखते हैं इनकी। तुलना किस करोगे भाई? ज्यादा कौन सा है कम कौन सा है आपको पता हो तो? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है इस प्रकृति का। आप एफ ई में एफ जी का भाग देके देखें, तुलना करिए। हम एफ ई में किसका भाग दे रहे हैं? एफ जी का देना भाग। एफ ई का सूत्र बन जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और एफ जी बन जाएगा जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा क्या? अरे बोला करो। एफ ई अपॉन जी कितना बच गया? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। क्या सारे मान आप जानते हो? क्या सारे कांस्टेंट मान आप जानते हो? जमाओ उत्तर कितना आता देखते हैं। एफ ई अपॉन एफ जी कितना आया बताओ? इनके बीच की डिस्टेंस गिवन थी क्या? नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे एक एंगल स्ट्रॉन्ग लास्ट में बोल रखा है इसने, अपन चाहें तो इनके बीच की दूरी एक एंगल स्ट्रॉन्ग काम में ले सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर डिस्टेंस भी दे दे आपको एक एंगल स्ट्रॉन्ग, तो आप दूरी जगह पर एक एंगल स्ट्रॉन्ग जमा देना, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करके पुट कर देना। अभी तुलना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के का मान बोलना 9×10⁻⁹। स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6×10⁻⁹² जी कितना होता है? 6.67×10⁻¹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1×10⁻³। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66×10⁻²⁷। अरे होता ही नहीं होता। अब एक लंबा चौड़ा घुना भाग है भाई ना, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट जमा दूं क्या? देखो एक क्वेश्चन कराने के पीछे आपको तुलना कराना है। क्वेश्चन में आपको यह सिद्ध करना चाह रहा है कि आप देखना वास्तव में जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या आने वाला है ज्यादा। जब आप इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये आ रहा है 1.3×10⁻³। 1.3×10⁻³। अब मेरी बात समझना आप ध्यान से, इसका उद्देश्य क्या था? सवाल की थीम समझ में आई थी क्या आपको? अरे सवाल की थीम समझ में आई थी क्या आपको? क्या थीम थी? एक इलेक्ट्रॉन था और एक क्या था? प्रोटॉन था। आवेश को ध्यान में रखते हुए आपने वैद्युत बल निकाल लिया, द्रव्यमान को ध्यान में रखते हुए आपने गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लिया। अगर मैं चाहता तो इसकी पूरी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ ना आराम से। के का मान जमा दो, ई का मान जमा दो, दूरी हो तो वो निकाल दो, पूरा एक मान इसका आ जाएगा, दूसरा मान इसका आ जाएगा। और फिर मुझे करनी थी बच्चों तुलना। क्या करनी थी? तुलना। तुलना से एक बात क्लियर आई, दिमाग लगा कि जब आपने एफ ई में एफ जी का भाग दिया तो ये वाली संख्या प्राप्त हुई। ये संख्या अपने आप में बहुत ज़्यादा है, शायद 10⁶ अपने आप में बहुत बड़ी संख्या रही होगी। इसका मतलब जो वैद्युत बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल है, 10⁶ गुना है। मतलब इस कैलकुलेशन से हमें पता चला कि जो एफ ई है इज मोर ग्रेटर देन विद रेस्पेक्ट टू एफ जी। मतलब आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यंत प्रबल होता है।
अरे हाँ या ना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ ए का। ए का सेकंड क्वेश्चन सुनना, होमवर्क है आपको खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन है दो प्रोटोनों के लिए, मतलब पहले क्वेश्चन में तो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था और एक क्या था, प्रोटॉन था। और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें दोनों ही क्या है, प्रोटॉन, पहला भी प्रोटॉन और दूसरा भी प्रोटॉन। दूरी कितनी है बीच की, आर। कर लेंगे इस क्वेश्चन को आराम से, शॉर्ट शॉर्ट में करा दूंगा, आप चाहो देखना चाहो तो। एफ ई आपने निकाला, विद्युत बल कितना आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अंतर किस चीज का होगा, यहां पर जो बल होगा शायद वो आकर्षण प्रकृति का होगा, एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश है, और यहां जो बल होगा वो कौन सी प्रकृति का होगा भाई, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करना चाहो आप, क्या बन जाएगा, जी एम ई का स्क्वायर हो जाएगा शायद, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोटॉन है भाई, तो पहला एम पी और दूसरा एम पी, तो एम पी का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। वापस से अगर इनकी तुलना करना चाहूं मैं, एफ ई को एफ जी से भाग देना चाहूं मैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा ना, क्या आएगा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। क्या आप सारे आंकड़े जमा दोगे इसके अंदर, बोलना के का मान, नीचे जमा लो, एफ ई अपॉन एफ जी, के का मान 9×10⁻⁹, E का मान 1.6×10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर, हाँ भाई G का मान कितना आएगा, 6.67×10⁻¹⁰ और मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 ले लो, 10⁻²⁷ का होल स्क्वायर। और सारे आंकड़े तो अवेलेबल है ना अपने पास में, जब इसे आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, पहले वाले में 2.4×10⁻³⁹ आएगा, पहले वाले में दो है, थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने, 2.4×10⁻³⁹, और इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1.3×10⁻³⁶। अरे हाँ ना, इससे भी तो ये कहानी क्लियर है शायद कि एफ ई अभी भी बहुत बड़ा है, किससे, एफ जी से। अरे संख्या इसमें 10⁻³⁹ है, इसमें 10⁻³⁬ है, पर बात तो वही निकल के आ रही है ना, अरे क्वेश्चन कराने के पीछे उद्देश्य क्या है, गुणा भाग करवाना उद्देश्य है उसका, उसका ये उद्देश्य है कि आवेशों के बीच में वैद्युत बल भी लग सकता है और आवेशों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लग सकता है, पर वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आगे से कभी भी आवेशों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की बात नहीं करूँगा। ये बताओ एफ जी जो है वो एफ ई के सामने थोड़ा बहुत छोटा है कि अत्यंत छोटा है, भयंकर छोटा है भाई, भयंकर। 10⁻³⁶, 10⁻³⁹ ये तो अपने आप में बहुत विकट संख्याएँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जब आवेशों की बात कर रहे होंगे तो क्या मैं गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान सकता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता, मान सकता हूँ। तो आगे से मैं केवल कौन से बल की बात करूँगा, वैद्युत बल की, नोट कर लें आप जल्दी से, थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन तो है ये, खैर बुक में है, कराना पड़ रहा है इसलिए ना, करो आराम से।
सवाल का एक हिस्सा पूरा हुआ है ना, और सवाल के एक हिस्से में उसने ये साबित करना चाहे कि वैद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रबल है। बस जल्दी नोट करें, सेकंड पार्ट और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा कैलकुलेशन करने बैठेंगे इसकी तो बहुत समय बिगड़ जाएगा भाई ना, विश्वास रखना किताब वाले पर, सही लिखा है इसने। क्या भाई चलो इसका बी पार्ट देखिए। ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये ए पार्ट के क्वेश्चन थे ना, बी पार्ट देखते हैं इसका, लिख लेना आराम से उत्तर बुक से लिख लेना। बी पार्ट देखिए इसका, इससे और कुछ कहानी समझ में आएगी आपको। सेकंड पार्ट बोल रहा है भाई इसका, बी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य, मतलब बी पार्ट में यहां तो इसने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या लिया इसने, एक प्रोटॉन लिया है भाई ना। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण, कौन से बल की बात करवा रहा है, वैद्युत बल की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण ज्ञात कीजिए और आपको बीच की दूरी दे रखी है एक एंगस्ट्रॉम। ध्यान सुनना बोर्ड पर अच्छे से, दूरी कितनी दे रखी है एक एंगस्ट्रॉम, और ज्ञात करवा रहा है आपसे इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करवा रहा है, और दूसरे क्वेश्चन में आपसे प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करवा रहा है। सुनना, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक प्रोटॉन रखा हुआ है, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करना है, प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण का सूत्र तो आप जानते होंगे, F बराबर एम ए होता है, तो ए बराबर आता है एफ अपॉन एम। तो पहले लगने वाला बल तो ज्ञात कर ले, तभी तो अपन त्वरण की बात करेंगे। तो लगने वाले वैद्युत बल की बात कर रहा हूं, एफ ई, सूत्र का कहता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एक तरीके से। तो बोला लगने वाला विद्युत बल कितना आ जाएगा, क्या K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 है, स्मॉल E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19।
बटे दूरी का स्क्वायर, और दूरी कितनी है बीच की, एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10^-10 मीटर, इसका स्क्वायर है भाई। तो क्या आपको 10^-10 × 10^-10 लिखना पड़ेगा? अरे हाँ या ना, सॉल्व करना कितना आ रहा है एक बार। एफ ई बराबर 9 तो ये है ही है, देखो इसको 16 × 16 = 256 होता है क्या, और दो अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.6 × 1.6 2.56 हो जाएगा। अरे बोला करो। और 10 की पावर कितना आ जाएगा, दिमाग लगा, -19 कितना आ गया, -38, और -38 में से प्लस के 9 जाएंगे तो -29 नीचे माइनस के 20 हैं, ऊपर जाएंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे, और प्लस के 20 और माइनस के 29 क्या माइनस का 9 बचने वाला है क्या? अरे बोल दिया करो। तो लगने वाला विद्युत बल कितना आ गया पहले तो आप ये बताइए। एफ ई बराबर आ गया 900 गुणा करेंगे तो 9 × 54 हासिल कितनी, 5 9 5 45 और 5 50 की 0 हासिल 5 9 दुनी 18 और 5 23 × 10^-9। और वैज्ञानिक विधि के अनुसार अगर मैं लिखूं तो 2.3 × 10^-8 न्यूटन। बताओ ये विद्युत बल समझ में आया कि नहीं आया? इस सवाल में विद्युत बल ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात क्या करना है अपने को, त्वरण। तो एक तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण और एक प्रोटॉन का त्वरण। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। इलेक्ट्रॉन का त्वरण का मतलब यही, अरे हाँ या ना, एफ बराबर एम ए पढ़ाए तो ए का सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, एफ अपॉन एम, लगने वाला बल एफ और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नीचे आ जाएगा। लगने वाला बल कितना आया, 2.3 × 10^-8 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना आया, 9.1 × 10^-31। अरे बोला करो भाई, क्या पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या बच गया, 23/91 × 10^-31 ऊपर गए तो प्लस के 31 हो गए क्या, -31 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 31 हो जाएंगे, -8 पहले से बैठे हुए हैं, -8 और प्लस के 31 कितने होंगे, प्लस के कितने बचेंगे, 23, 28, 29, 30, 31 ठीक 23 है ना, एक जीरो उधार ले लें तो क्या 22 लिख दूं यहां पर। अरे आया कि नहीं आया, 230 में देखो 91 को लगभग 90 मान लो, जीरो जीरो कट गई, 23 में 9 का भाग दे ले कितना आया, 9 × 18 = 19, 20, 21, 22, 23 5 50 हो गया लगभग, 9 × 5 = 45 5 वापस 50 हो गया लगभग, 2.5 बहुत है, × 10^22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यूँ बताओ गुणा भाग करना ये समझ में आया कि नहीं आया पहले तो, इलेक्ट्रॉन का त्वरण समझ में आया कि नहीं आया, एक इलेक्ट्रॉन मुझे पता है काफ़ी बोरिंग क्वेश्चन है ना, पर एक बार बुक में है तो पढ़ दो पूरी चीज़ लो कम से कम। इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, प्रोटॉन रखा हुआ है, आपने पहले कूलाम के नियम से लगने वाला बल ज्ञात किया, और लगने वाले बल के बाद में इलेक्ट्रॉन का त्वरण समझ में आया कि नहीं आया, देख दिमाग लगा, क्या ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में तो बहुत भयंकर है भाई, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे गुरुत्व त्वरण कितना आता है, 9.8 है, लगभग कितना मानता हूँ उसको मैं, 10 कितना मानता हूँ मैं, 10, तो ये तो 10^22 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में थोड़ा बहुत है कि बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। यही बात बल से क्लियर हो रही थी कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल बहुत ज़्यादा है, और गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में ये जो इलेक्ट्रॉन पर त्वरण लग रहा है अत्यंत अधिक है। क्या इसी तरह आप प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात कर सकते हो क्या, प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात कर सकते हो क्या, कैसे निकाले बताओ, क्या सूत्र बन जाएगा, एफ अपॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान, फोर्स तो वही है
2.3 गुना 10 की घात माइनस 8, ये क्रिया प्रतिक्रिया की पालना करता है भाई। जितना बल इस द्रव आवेश पर लगने वाला है उतना ही बल इस आवेश पर लगने वाला है, पर नीचे अब की बार प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.66 10^-27। सॉल्व कर इसको देख, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ऊपर देखेगा 230 और नीचे देखेगा 166 गुणा 10 की घात, ऊपर जाएगा तो प्लस का 27 और माइनस के 8 प्लस के 19, तो प्रोटॉन का तुरंत कितना आ गया, भाग देना 230 में 166 का भाग जाएगा तो लगभग एक बार 1. मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कितना आ रहा है, प्रोटॉन का जो त्वरण आने वाला है वो आएगा 1.4 इंटू 10^19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ आप ये बताइए, मतलब पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक थीम समझ में आती है कि अगर दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच में वैद्युत बल भी लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, पर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कई गुना ज़्यादा है, तो मैं गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान सकता हूँ। दूसरी बात, उनके बीच में जो त्वरण लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है और ये वैद्युत बल की वजह से भी त्वरण पैदा हो रहा है, पर ये जो त्वरण पैदा हो रहा है ये गुरुत्वीय त्वरण से कहीं अधिक है, तो क्या मैं गुरुत्व के अधीन गति को नगण्य मान सकता हूँ क्या? जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ूंगा तो मैं गुरुत्वाकर्षण बल की गति को नगण्य मान सकता हूँ ना, बस ये इस क्वेश्चन का टारगेट है, जल्दी से नोट कर लें इसको। काफी लंबा क्वेश्चन हुआ है ना, हाँ बहुत टाइम लिया है इसने, थोड़ा समझना। क्लियर है भैया तक है ना, बढ़े आगे। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 1.4। पूरे सवाल का करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि आवेशों के बीच में वैद्युत बल भी लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, पर गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा कम है, इतना कम है कि अपन इसके प्रभाव को नगण्य मान सकते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.5। देखिए भाई ध्यान से ये बोर्ड देखना,
किताब में सवाल देखोगे तो एक बार में तो चक्कर आ जाएंगे आपको, शायद पूरा एक पन्ने का क्वेश्चन है। मैं आपको मेरे तरीके से समझाता हूँ, सुनना ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है कि दो गोले हैं ए और बी, सुनिए आराम से किताब में पढ़ लेना घर जाके। दो गोले हैं ए और बी, पहला गोला है ए और दूसरा गोला है बी। कोई आवेश रहे होंगे इनके ऊपर, मान लो इसके ऊपर आवेश आया साहब क्यू वन, कुछ ही मान लो, और इसके ऊपर आवेश कितना आ गया होगा कोई क्यू टू, और इनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताओ। दो गोले हैं, अच्छा त्रिज्या बराबर है इनकी, इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी है r, और आवेश आप कुछ डिफरेंट मान लें तो ठीक रहेगा। पहले का कोई आवेश मान लिया हमने q1 और दूसरे का आवेश कितना मान लिया q2। इस कंडीशन में लगने वाला बल है f, कितना बल लग रहा है f। अब क्या कह रहा है सुनना, पहली कंडीशन हो गई कंडीशन नंबर वन। जब कंडीशन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो कंडीशन नंबर सेकंड में उसने ये कहा है कि ये जो गोला है ना ए, इसके संपर्क में समरूप उदासीन गोला लेके आया मैं, मतलब ये गोला यहां रखा हुआ है, ये बी वाई साहब यहां रखा हुआ है, इसकी त्रिज्या आर है, इसकी भी कितनी है आर, इसका आवेश कितना है क्यू वन, इसका आवेश कितना है क्यू टू। इसके संपर्क में मैं एक गोला लेके आया हूं, उस गोले का नाम है सी, त्रिज्या उसकी भी कितनी है आर, पर उसका आवेश है जीरो, उदासीन गोला था वो। इसके संपर्क में लेके आया डी गोला, त्रिज्या उसकी भी आर है और वो भी कैसा है उदासीन। अब आपको कहानी कुछ याद आई क्या, जब आप इसे टच करके इसको अलग करोगे भाई तो ए का नया आवेश क्या त्रिज्या के अनुपात में बटेगा, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश 0 है, तो जब ए का नया आवेश आपको प्राप्त होगा इस घटना के बाद तो क्या ए का नया आवेश बच्चों Q1 बटे 2 प्राप्त होगा, हाँ है ना। इसको टच किया ये भी उदासीन है, मैंने जो सवाल करवाया था मैं तो इसी को लेके गया था, यहाँ को नया लेके आए डी गोला, इसका आवेश Q2, इसका 0, त्रिज्या R, त्रिज्या R, तो जो B का नया आवेश आएगा क्या वो Q2 अपॉन 2 आएगा, हाँ या ना। और बीच की दूरी कर दी है 5 सेंटीमीटर, अब की बार सवाल समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, बड़े सरल तरीके समझा रहा हूं, मेरे बात दोबारा फील करना आप। दो आवेश थे ए और बी, इसका आवेश है क्यू वन, इसका आवेश है क्यू टू, दूरी बीच की दिमाग में आर मान ले कोई भी, और आपने एक ऐसी घटना करी, क्या पहला आवेश आधा हो गया, क्या दूसरा आवेश भी आधा हो गया, और ध्यान से देख दूरी भी आधी हो गई, पहले 10 थी अब कितनी हो गई है 5, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, पूरे एक पन्ने पर दिया हुआ है, मैं इसको मेरे तरीके से कुछ शॉर्ट में दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। दो स्थिति की बात कर रहा है शायद, ये है ना सुनना। स्थिति नंबर वन, स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है सुनो, उसकी सुनो। पहला जो गोला है क्या इसका आवेश में क्यू वन मान लो, और दूसरा जो गोला है क्या इसका आवेश हम Q2 मान लें, अरे बोला करो कुछ मुझसे, और दूरी कितनी मान लें R, जो 10 सेंटीमीटर है। क्या इस कंडीशन में लगने वाले बल को मैं F1 नाम दे दूं क्या, बोला कितना आएगा आपके हिसाब से F1, K, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और बटे दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर, समीकरण नंबर एक समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। दूसरी स्थिति में, स्थिति नंबर दो में सुनना, क्या पहले वाले गोले का आवेश क्यू वन बटे दो हो गया, ये समझ में आया नहीं आया, क्यू वन बटे दो क्यों होगा, मैं अगर एक समरूप उदासीन गोला टच करूं, समरूप है तो आधा आधा बटेगा, उदासीन था तो जीरो था, क्यू वन प्लस जीरो क्यू, आधा करूंगा तो क्यू वन बटे दो आएगा नहीं आएगा। दूसरे से भी मैं समरूप उदासीन गोला ही टच करूं तो क्या इसका आवेश भी Q2 बटे 2 आ जाएगा,
और दूरी बीच की आर नहीं है, आधी कर दिया आपने, कितनी है आर बाई टू? 5 सेंटीमीटर। लगने वाले बल को क्या मैं एफ टू नाम दे दूंगा? एफ टू, अरे एफ टू नाम दे दें, बोलो आपके हिसाब से, कि पहला आवेश क्यू वन बटे दो, दूसरा आवेश क्यू टू बटे दो, और दूरी बिल्कुल साहब आर बटे दो का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करना, कुछ दिखा क्या क्या देख कि क्यू वन क्यू टू और क्या एक बटे दो गुणा एक बटे दो, ऊपर एक बटे चार आ गया। अरे मुँह तो बोलता देखो कम से कम, और नीचे इसका स्क्वायर करें तो आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर, और एक बटे दो का स्क्वायर क्या नीचे भी आपको एक बटे चार दिख गया क्या? और एक बटे चार से एक बटे चार कट गया क्या? ध्यान से देख समीकरण नंबर दो मान ले इसको, क्या एफ वन और एफ टू बराबर हैं क्या? क्या एफ वन और एफ टू बराबर हैं क्या? एक और दो से स्पष्ट है कि एफ वन बराबर एफ टू, मतलब लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये तो क्वेश्चन ऐसे भी तो बोल सकता था, इसको इतना घुमाने की क्या जरूरत थी कि आवेशों के मान तो आधे कर दिए गए और दूरी को भी आधा कर दिया गया। आवेशों के मान आधे किए हैं तो भले एक बटे चार गुना हो जाएगा पर दूरी भी तो आधी है, याद करो 11th क्लास, आधे का स्क्वायर एक बटे चार का उल्टा बल चार गुना हो जाएगा और एक बटे चार से चार कट जाएगा, मतलब लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आंसर लिखना, आते हैं लगने वाला बल कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन समझना अपने आप में क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा दूरी आधी बोली नहीं है उसने, क्वेश्चन दे रखा है कि पहले 10 सेंटीमीटर था और फिर 5 सेंटीमीटर कर दिया है, 10 का 5 आधे तो हुआ ना। हो गया, देखिए आगे देखिए, तो ये थे एग्जाम्पल नंबर 1.4 और एग्जाम्पल नंबर 1.5। पीछे बुक के क्वेश्चन और देखते हैं एक आधो, है ना।
फिर अगली हेडिंग पढ़ते हैं। बुक में क्वेश्चन है पेज नंबर 46, ठीक है, पेज नंबर 46 पर पहला पहला क्वेश्चन है, वो देखिए आप। ये सरल क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो मैं कराने जा रहा हूँ, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, किताब के पीछे जो आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से, मैं लिख देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है वायु में एक दूसरे से तीस सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः है 2×10⁻⁷ कूलाम तथा 3×10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है, उनके बीच कितना बल है, सुनना भाई ध्यान से। तो ये बड़ा सरल क्वेश्चन है, क्या क्या आंकड़े दिए हुए हैं देखना। वायु की बात कर रहा है, वैसे तो वायु और निर्वात को हम लगभग एक ही मान सकते हैं। निर्वात मैंने बताया ना आपको कि निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना आता है, एक, और वायु के लिए कितना होता है, लगभग एक। तो वायु निर्वात एक ही बात है, मतलब के का मान कितना काम में लेना होगा, 9×10⁻⁹। दूरी कितनी है बीच की, दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, या दूरी को हम आर से दर्शाते हैं, तो आर का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, को क्या मीटर में चेंज कर लें, क्या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के 10⁻²² से गुणा करना पड़ता है, और क्या इस जीरो को यहाँ एडजस्ट कर दें तो क्या ये आपको 3×10⁻⁹ मीटर नजर आएगा। अरे बोला करो रे यार, दो छोटे गोलों पर क्या पहला आवेश दिया हुआ है, इसको Q1 नाम दे दें। Q1 कितना है, 2×10⁻⁷ कूलाम, कूलाम एम के एस पद्धति में, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आवेश कितना है, Q2, 3×10⁻⁷ कूलाम। और क्वेश्चन बोल रहा है कि उनके बीच कितना बल है, क्या आपको लगने वाला बल ज्ञात करना है। अब अंडरस्टूड है, अब देखो बल का नाम नहीं दिया उसने, पर अंडरस्टूड है कि कौन सा बल है ये, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल है, क्यों घुड़ते बल वो आपसे कभी ज्ञात नहीं करवाएगा, क्योंकि वो तो ना के बराबर रहा होगा, लग रहा होगा इनके बीच में, पर वो ना के बराबर रहा होगा, द्रव्यमान दिया भी नहीं है कि खैर इसने। तो बताओ सूत्र क्या होता है बल का, के Q1 Q2 अपॉन R2, सारे मान जमाओ इसके अंदर, बोलो F बराबर क्या, K का मान 9×10⁹ है, पहला आवेश 2×10⁻⁷, दूसरा आवेश 3×10⁻⁷, सही है यहाँ तक, और दूरी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9, और 10⁻⁻² आया कि नहीं आया, कुछ कट रहा है क्या, 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, और बल कितना बच गया, ऊपर संख्या 3×2 6 आ गया क्या। अरे बोला करो, 10⁻⁷ सुनना, -7 और -7 कितने हो गए, -14, -2 ऊपर गए तो +2 9 2 11, -14 -3 न्यूटन है ना, इतना मत छोड़ के आना, प्रकृति जरूर लिखना बल की। बताइए आवेश सजातीय हैं या विजातीय हैं, Q1 और Q2 सजातीय हैं या विजातीय हैं भाई,
सजातीय हैं, दोनों प्लस के हैं, और जब बल सजातीय हो तो प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगता है, तो ब्रैकेट में प्रतिकर्षण और लिखना, नहीं आधा नंबर कट जाएगा कम से कम। प्रतिकर्षण, बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे कितना सरल क्वेश्चन था, आपको वायु वायु इंट क्यों दी, वायु ना बोलता तो क्या फर्क पड़ता सवाल पर? हम के का मान निश्चित नहीं कर पाते ना, क्या काम में लें? आपने के का मान 9 गुणा 10 घात 9 ही काम में क्यों लिया है? क्योंकि सारी वैल्यू एसआई पद्धति में है, और वायु वायु का मतलब एक तरीके से निर्वात बोल रहा है, इसीलिए मैंने के का मान कितना काम में लिया, 9 गुणा 10 की घात 9। जल्दी नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करो जल्दी से। दो एग्जाम्पल कर लिया अपन, एग्जाम्पल नंबर 1.4 1.5 है ना, अच्छा और एक ही क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करें बाप। ठीक है, देखिए भाई आगे देखिए, एक दो पॉइंट और हैं जो मैं आपको करा देता हूँ कूलाम के नियम में, पर खत्म करते हैं कूलाम के नियम को। तो कल अपन जब कूलाम का नियम पढ़ रहे थे तो अपन पहला पॉइंट तो पढ़ चुके थे, विद्युतशीलता के संदर्भ में पढ़ाया था आपको मैंने पहला पॉइंट, है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, वो सब पॉइंट मैं आपको क्लियर करा चुका था। आप नोट नंबर सेकंड देखना उसी क्रम में, और नोट नंबर सेकंड है भाई, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, क्या हेडिंग है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। भाई बल कैसी राशि है, सदिश, तो अपन इसको सदिश रूप में कूलाम के नियम को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो आपने कूलाम का नियम क्या पढ़ा है, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो पढ़ा है, अरे हाँ या ना, और कहानी क्या हुआ करती थी कि अपन दो आवेश लिया करते थे, पहला क्यू वन और दूसरा कौन सा था क्यू टू, और बीच की दूरी कितनी होती थी आर, इस कंडीशन में लगने वाला बल होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, इसमें दो नाम आते हैं भाई, पहला और दूसरा दो बल है, तो पहले वाले पर दूसरा बल लगा रहा होगा और दूसरे वाले पर पहला बल लगा रहा होगा, दिमाग लगाना ध्यान से, इस पर बल देखना है, जिस पर बल देखना है वो डिस्टर्ब होगा ना, अच्छा इनके बीच बल आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है, सजातीय आवेश है, कैसे आवेश है, सजातीय, तो बल तो प्रतिकर्षण का होगा ना, सुन ध्यान से, क्या ये आवेश इधर जाएगा, मतलब इस आवेश पर बल क्या इधर लग रहा होगा क्या, अरे हाँ या ना, इस बल का नाम हो जाएगा F12 वेक्टर, F12 का मतलब पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण लगने वाला बल, और इस पर जो बल लगेगा प्रतिकर्षण धक्का ही तो खाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा F21 वेक्टर, हाँ या ना। तो अगर आप सदिश निरूपण की बात कर रहे हो इसको छोड़ो, तो दो एंट्री दो हेडिंग बन जाएंगी इसमें, पहला मैं लिखूंगा Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर बल, क्या नाम तो बताओ,
F12 के F21 Q1 के कारण कहां देखना है? Q2 पर। तो इसका नाम हो जाएगा भाई F21। क्या नाम होगा? F21 बराबर नॉर्मल के आता ही है, Q1 भी आता है, Q2 भी आता है, और दूरी में नीचे R2 भी आता है। चाहो तो आप R में R21 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर आप यहाँ वेक्टर लगाते हो, याद करो कुछ कहानी, तो क्या आपको R कैप से गुणा करना होगा? और ये चूंकि 21 है तो R कैप में भी क्या लगेगा? 21। हाँ या ना? ये क्या है R कैप 21 क्या है भाई? यहां R कैप 21 क्या चीज है बताओ? R कैप 21 क्या इकाई सदिश है? अरे कैप लगा हुआ है तो इकाई सदिश है ना, और किधर से किधर है इकाई सदिश? 21 मतलब F21 की दिशा में, और F21 कहां है? इधर, मतलब Q1 से Q2 की ओर। अरे ये दिशा इधर तो है भाई, तो इस दिशा को कैसे बोलोगे आप? Q1 से Q2 की ओर। तो आप क्या लिखने वाले हो यहां पर? R कैप Q1 से Q2 की ओर क्या है? इकाई सदिश है की ओर। इकाई सदिश, अरे समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। इसी तरीके से जैसे आपने ये हेडिंग पढ़ी है, एक दूसरी हेडिंग और बन सकती है क्या? ये तो Q1 के कारण कहां बल देखा आपने? Q2 पर। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? Q2 आवेश के कारण, बोलिए, Q1 आवेश पर बल। क्या नाम बोलेंगे बताओ? F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R2। और क्या बच्चों यहाँ R12 कैप आ जाएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? और ये R12 कैप क्या है? यहाँ R12 कैप है तो इकाई सदिश है, और दिशा F12 की दिशा में, और F12 कहाँ है? इधर। तो क्या कहोगे आप? Q2 से Q1 की और क्या है? ये इकाई सदिश। कोलाम के नियम का सदिश निरूपण समझ में आया कि नहीं आया? इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो क्या इस पॉइंट को? कि देखो पूरे परिमाण में K Q1 Q2 अपॉन R2 इसमें भी आ रहा है, और K Q1 Q2 अपॉन R2 इसमें भी आ रहा है। परिमाण तो बराबर है ना भाई, इकाई सदिश का परिमाण कितना आता है? एक है। मतलब मैं जो कह दूं कि F12 और F21 का परिमाण तो बराबर है, पर दिशा में दिमाग लगाना, क्या एक उस दिशा में है और दूसरा उसकी विपरीत दिशा में है या नहीं है? परिमाण बराबर है और दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। मतलब कहीं पढ़ा है ऐसा? समान परिमाण विपरीत दिशा, क्या कहाँ पढ़ा है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम, जिसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि चूंकि F12 बराबर F21, परिमाण तो बराबर है, पर अगर आप वेक्टर लगा रहे हो तो क्या माइनस का चिन्ह लगने वाला है? क्यों? विपरीत दिशा के कारण। किसकी वजह से भाई? विपरीत दिशा के कारण। तो अपन ये पॉइंट बना सकते हैं कि जो कूलाम का नियम है, या स्थिरवैद्युत बल बोल दो इसको, अरे कौन सा बल है ये? स्थिरवैद्युत बल। कूलाम का नियम ना बोलकर आप ये लिखिए कि स्थिर वैद्युत बल किसकी पालना करता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। याद रखना, अगर Q1 Q2 पर 10 न्यूटन बल लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पर 10 न्यूटन का ही बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। आकर्षण होता तो एक उधर होता और दूसरा इधर होता, तब भी दिशाएं तो विपरीत होती ना। चाहे प्रतिकर्षण सोच ले, चाहे आकर्षण सोच ले, दिशाएं तो कैसी होंगी? विपरीत। परिमाण कैसे होंगे? समान।
एक पॉइंट और समझ सकते हैं छोटा सा, मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण लिखाया था, केंद्रीय बल याद आया कुछ? केंद्रीय बल क्या होता है कि ये जो बल लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही लगने वाला है, बताया था क्या? इसके कारण इस पर बल या तो उधर या इधर, इधर नहीं लगेगा ना इधर लगेगा, मतलब जो बल लगेगा ये इससे बेहतर बल जो लगता है ये आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर लगता है, इसलिए इस बल का नाम क्या है? क्या नाम है? केंद्रीय बल है। तो यहां ये भी लिख लो कि स्थिर वैद्युत बल कौन सा बल भी है? केंद्रीय बल भी है। बस पर्याप्त है भाई ना, यहां तक एक बार आप जल्दी से नोट कर लें। क्रिया प्रतिक्रिया की पालना करता है और भाई केंद्रीय बल है। इसको लिख लो भाई ना, और आज इतना ही रखेंगे अपन, बाकी कल देखते हैं, ठीक है।